बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन आमिर, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं कैरी की खट्टी मीठी चटनी। तो यहाँ हमने चार बड़े साइज़ की कैरियाँ लेकर उनको कट करके रखा हुआ है। इसके अलावा हाफ टी स्पून हमने लिए सौंफ, 1 टीस्पून लिए हैं पीसी मिर्चें, 1 टीस्पून लिए हैं खरबूजे के बीज। ये ऑप्शनल है, अगर है तो आप यूज़ करें, अगर नहीं है तो आप मत यूज़ करें। और 1/4 टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा, 1/4 टीस्पून लिए कलौंजी और 1/2 टीस्पून लिया है काला नमक, 3 हमने लिए साबुत मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है और यहाँ पे नमक लिया हमने 1/2 टीस्पून। इसके अलावा गरम मसाला जाएगा इसमें, लौंगे हैं 6, 5 काली मिर्चें और छोटी छोटी दालचीनी की स्टिक लिए हैं और 1 कप इसमें चीनी इस्तेमाल होगी। चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन लिया और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल जाएगा। इसको गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, साबुत मिर्ची ऐड कर देंगे, गरम मसाला ऐड कर देंगे और कलौंजी डाल देंगे। इसको हल्का सा पकाएंगे ताकि इसकी खुशबू आ जाए। ये हल्का सा भून गया, अब हम इसमें कैरियाँ डाल देंगे, मसाले ऐड करेंगे, काला नमक जाएगा इसमें, हल्दी पाउडर जाएगा, नमक जाएगा इसमें, इसी मिर्च ऐड करेंगे, सौंफ और खरबूजे के बीज डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गई है और इसमें 1/2 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे और इसको कवर करके पकाएंगे 5 से 8 मिनट के लिए। इसको कवर कर दिया और मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि कैरी थोड़ी गल जाए। 8 मिनट हो गए, ये देखिए कैरी को पकते हुए और ये हाफ डन हो चुकी है। अब इसमें हम चीनी डाल दें, चीनी डाल के इसको मेल्ट होने तक पकाना है और लो फ्लेम पर अब इसको पकाएंगे। कवर कर देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। कवर कर देते हैं। कैरी को पकते हुए 5 मिनट हो गए, ये देखें ये अच्छे से तैयार हो रही है। अभी इसमें हल्की सी कसर और है। अच्छा, हमें इसका पानी बिल्कुल सुखाना नहीं है क्योंकि अगर हम इसको सुखा देंगे तो शीरा रखकर और ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो इसलिए इसको हमें अभी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। कैरी को तकरीबन 8 मिनट के लिए कवर करके दोबारा पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। कैरी को पकते हुए 8 मिनट हो गए, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया। ये देखें कैरी की खट्टी मीठी चटनी एकदम रेडी हो गई है। ये ठंडी होने के बाद और ज़्यादा ठीक हो जाएगी। बस अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए कैरी की मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।